भारत रसिया की दोस्ती से बौखलाया अमेरिका, तो चलिए बड़ी चाल। दोस्तों, भारत में जारी एयरो इंडिया 2023 में न केवल एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, बल्कि ये एक रणनीतिक बाजियों का भी मैदान बन गया है। अब इस प्रोग्राम के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया है, यानी F-35 यहाँ पर F-16 सुपर हॉर्नेट और B-1B बॉम्बर्स के बीच मौजूद है। ये अपने आप में काफी खास है, क्योंकि अभी तक बॉम्बर्स को इस तरह से डिस्प्ले के लिए नहीं भेजा गया था। रक्षा मामलों के जानकार की माने तो अमेरिका ने भारत को रूस से दूर करने के लिए अच्छी चाल चली है। जी हाँ, रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्ति करता है और दोनों देशों की नजदीकियों से अक्सर अमेरिका परेशान रहता है। दरअसल भारत पिछले कई सालों से सोवियत दौर के फाइटर जेट को अपग्रेड करने की कोशिश में लगा हुआ है। अपने हवाई बेड़े की ताकत में इजाफा करने के मकसद से इन कोशिशों को पूरा किया जा रहा है। वहीं भारत को इस बात की वजह से भी खासी चिंता है कि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस से आने वाली सप्लाई में देरी हो रही है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों की तरफ से भी रूस से दूर होने का दबाव उस पर बढ़ रहा है। अमेरिका F-35 को बेचे गया नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस जेट को लेकर उसका नजरिया काफी सीमित है। इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि भारत को इसकी पेशकश की जाएगी या नहीं। लेकिन भारत में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी ने बताया है कि भारत अभी इस पर विचार कर रहा है कि ये जेट खरीदेगा या नहीं। विचार विमर्श अभी शुरुआती दौर में है। बोइंग F-18 हॉर्नेट जेट भारतीय नौसेना के लिए जेट की रेस में शामिल थे। वहीं लॉकहीड मार्टिन का F-21 जो F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है, भारतीय वायुसेना के लिए उसकी पेशकश की गई है। $20 अरब वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए 114 फाइटर जेट खरीदने की योजना थी, मगर पिछले 5 सालों से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। रूस और भारत की करीबियों से परेशान अमेरिका भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है, पिछले 5 सालों में रूस की तरफ से $13 अरब वाले हथियारों की सप्लाई की मंजूरी दी जा चुकी है, साथ ही $10 अरब के ऑर्डर भी उसके पास हैं। इसके बाद ही अमेरिका की तरफ से भारत को $6 अरब की लागत से हथियार बेचने की अनुमति दी गई है, तो पिछले 6 सालों में इतने हथियार सप्लाई किए जाएंगे।